now let's move on to chapter number two the name of the chapter is way to success so what is the meaning of this way to success way to success ka meaning hai? way to success means so what all things we should do here let's see having fun And disliking studies is a distinctive feature of childhood. So children, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मम्मियों को उन्हें डांटना पड़ता उसके बाद ही वो पढ़ना शुरू करते हैं सो हैंग फन मस्ती करना and disliking studies, studies को ना पसंद करना डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कह सकते हो आप पार्ट है लेकिन well आपको पता है कि अगर आपने स्टडी वेल मीन्स अच्छे से पढ़ाई की है एंड गुड मार्क्स को स्कोर किया है तो क्या होगा आपने स्टडीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया है सो चिल्ड्रेन इफ यू स्टडी वेल एंड स्कोर गुड मार्क्स अब हाँ अगर हम मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो अगर हमें गुड मार्क्स चाहिए तो उसके लिए हमें मेहनत करके पढ़ना होगा और अगर हमने मेहनत करके पढ़ाई की अच्छे मार्क्स पाए तो हमें स्टडीज भी अच्छी लगने लगेंगी क्लियर नाउ no. हाउ टू स्टडी वेल अब आप पूछेंगे कि मैम कैसे हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए ची? तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट पॉइंट से स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस एक शांत जगह पे जाके पढ़ाई करनी है यू विल अंडरस्टैंड बेटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या है और आपको किस कॉन्सेप्ट को कैसे कंप्लीट करना है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज टेक आफ्टर वन और टू लेस दिस विल हेल्प यू रिचार्ज तो चिल्ड्रेन यहां पे ये कहा जा रहा है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक चैप्टर या दो चैप्टर्स के बाद आपको थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए 15 मिनट्स या 5 मिनट्स 10 जैसा भी आपको ठीक लगे तो थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए क्यों अगर हम ब्रेक ले लेंगे तो हमारी जो माइंड है वो रिचार्ज हो जाएगा फिर से नाउ थर्ड वन मेक अ टाइम टेबल फॉर योर डे सो आपको क्या करना है अपने दिन का टाइम टेबल बनाना है एंडलेस द टास्क टू बी डन एट द थर्ड टाइम बाय विच यू शुड फिनिश देम हमें क्या करना चाहिए टाइम टेबल में वी हैव टू टू लिस्ट लिस्ट बनानी है द टास्क बी डन जो भी काम हमें करना है अच्छा इस टाइम पे हमें ब्रश करना है इस टाइम पे हमें क्या करना है ब्रेकफास्ट करना है इस टाइम पे हमें पढ़ाई करनी इस टाइम पे हमें खेलने जाना है इस टाइम पे हमें टीवी देखना है तो इन सब चीजों की एक लिस्ट बनानी है जो भी टास्क जो भी काम करना है उसकी एक लिस्ट बनानी है एंड द टाइम बाय विच यू फिनिश देम और कितनी देर में वो काम कंप्लीट करना है ये भी लिखना है आपको नाउ

Next is point. Give yourself a treat, क्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट गिव योर सेल्फ आ ट्रीट लाइक एन आइसक्रीम और योर your timetable, so children यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने टाइम टेबल को ठीक से फॉलो किया है तो आपको क्या करना यू हैिव तो योर सेल्फ अ ट्रीट अपने आपको शाबाशी देनी है कैसे खुद को एक आइसक्रीम खिला के खुद को एक चॉकलेट गिफ्ट करके यू विल देन वॉन्ट टू अचीव मोर आपको लगेगा कि नहीं मैंने आज एक अच्छा काम किया था इसलिए मैंने खुद को एक चॉकलेट गिफ्ट किया या आइसक्रीम दी है या कुछ और चीज दी है तो आपको क्या होगा ऐसे आपको और ज्यादा मन करेगा चीजों को करने का नाउ दैट यू हैव लर्न हाउ टू स्टडी एफिशियंटली आपको पता चल गया है कि कैसे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है डिस्क वॉन्ग विदोइंग स्टडी है जो पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम और उनकी पढ़ाई में क्या गड़बड़ी है वो आपको बालों को वो खींच रहा है एंड वॉट इज द नेम ऑफ द बॉय विवेक सो विवेक लीज डूंगमवर्क ऑन ट वेरी लास्ट डे तो अभी हमने पढ़ा था कि होमवर्क हमें जो स्कूल से पहले कंप्लीट करना चाहिए तो विवेक क्या करता था जो भी होमवर्क था उसे छोड़ देता था बहुत लंबे टाइम के लिए वो छोड़ देता था कि बाद में करूंगा बाद में करूंगा करूंगा बाद में सो so अब वो कैसा हो गया ऐसा वो अपने बालों को खींच रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा होमवर्क वो कैसे कंप्लीट करे सो so क्या करना चाहिए विवेक को ही शुड कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम नेक्स्ट नेहा स्टडीज फॉर द होल डे विदाउट एनी ब्रेक अब नेहा क्या करती है पढ़ाई करती है बिना ब्रेक लिए बिना रुके वो क्या करती है पढ़ाई करती रहती है पढ़ाई करती रहती है पढ़ाई करती रहती है क्या है सही है नो no. क्या करना चाहिए यहाँ को शी शुड टेक शॉर्ट ब्रेक आफ्टर वन और टू लेसन अभी हमने पढ़ा था ना पॉइंट टू में तो उसे थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को ब्रेक देना चाहिए थोड़ा रेस्ट करना चाहिए उसके बाद दोबारा से पढ़ना चाहिए सोनू स्टडीज बाय टू म्यूजिक अब सोनू क्या करता है जब वो पढ़ाई करता है तो समय वो हेडफोन लगा के गाने भी सुनता है तो क्या ही सही है नो no. अगर आप पढ़ाई के साथ गाने भी सुनोगे तो क्या होगा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका ध्यान सारा उसमें चला जाएगा सॉन्ग्स में और पढ़ाई कुछ भी समझ में नहीं आएंगी ना राधिका स्टडीज वाइल वॉचिंग टेलीविजन अब राधिका भी सेम कर रही है वो टीवी चला के वो बैठी हुई है और साथ में पढ़ाई भी कर रही है तो क्या करना चाहिए राधिका को राधिका को टीवी ऑफ करके और शांति से अकेले बैठ के क्वाइट प्लेस पे बैठ के पढ़ना चाहिए तो ये सारी चीजें करनी चाहिए नए बच्चों को आप भी ऐसे करना ठीक है सो चिल्ड्रेन आई होप दैट यू हैव learned here